बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में विद्यार्थियों एक बहुत ही खास इस्तेमाल यानी प्रयोग लेकर के आए हैं। आज हम आपको तो शब्द के बारे में बताएंगे कि तो शब्द का इस्तेमाल कैसे करती हैं। जैसे हम किसी बात को बहुत ही जोर देकर कहते हैं, जैसे आपसे किसी ने पूछा कहाँ गए थे, स्कूल गए थे, तो आपने गया तो था, आप ये कह रहे आपने समय याद किया था, मैंने किया तो था। तो जब आप किसी बात को बहुत विश्वास के साथ कहती हो तो आप थोड़ा आने दियो। आज हम इन सेंटेंसों का इस तरह के सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाती हैं, उसमें वो अफर्मेटिव सेंटेंस और डू डज का उपयोग कर देती हैं, उन्हें सही से जानकारी मिल पाती। तो आज इस वीडियो के द्वारा उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और डू डज कब लगाती हैं और इनका क्या यूज होता है, अफर्मेटिव और सेंटेंस बना देती हैं। तो मैंने आज बोर्ड पर इसी टॉपिक को लेकर के लिखा है कि आज बच्चों के जो हमारे विद्यार्थियों के अंदर कंफ्यूजन रहती है, जो उनके अंदर संदेह रहता है, वो आज उनके अंदर से खत्म हो जाए और वो अंग्रेजी के इस तरह सेंटेंस को सही तरीके से बनाना सीख जाए। तो आज मैंने लिखा है बोर्ड पर डू डज तथा डिड का यूज, डिड का प्रयोग। मैंने इसकी पहचान लिखी है, जब कोई व्यक्ति किसी बात को जोर देकर कहता है अर्थात भरोसे के साथ कहता है, विश्वास के साथ कहता है बात को, तो वह अपनी बात में तू ये लिखा मैंने तू शब्द जोड़ देता है। जैसे मैंने बताया था मैं स्कूल गया तो था, उसने खाना खाया तो था, मैंने पानी पिया तो था, तुम खाना खा तो रहे थे, इस तरह की सेंटेंस आती है। तो आज हम इन्हीं सेंटेंसों को बनाना सीख रहे हैं। तो मैंने जैसे लिखा उदाहरण के तौर पर पहला सेंटेंस मैं गया तो था, यानी वो गया तो था, कह रहा मैं गया तो था, विश्वास के साथ कह रहा है थोड़ा आ रही है उसने। दूसरा सेंटेंस देखा मैं वह जाती तो है, क्या वह जाती तो है, यानी वह विश्वास के साथ कह रही है कि मैं जाती तो हूँ, इस तरह का, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है हम रात में पढ़ते तो है, यानी कोई व्यक्ति इसका मतलब है हम रात में पढ़ते तो यानी पढ़ते हैं कार्य को जरूर करते हैं, इस कार्य को का मतलब उसे तात्पर्य है कि हम उस कार्य को जरूर करते हैं। उसके बाद देखा वह बता तो रही थी। तो आज मैं इन सेंटेंस को बनाना सिखा रहा हूँ आपको। जब ये हाथी थे मैं सेंटेंस आया और तू लग के आ जाए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होती है। हम सबसे पहले कब वाक्य में ही लगाते हैं हम ये जानते हैं, उसके बाद में वो शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम। जब हाथी थे आएंगे, ठीक है, कर्ता के बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, तू के लिए क्या जाएंगे डिड का प्रयोग करेंगे। इन सेंटेंसों में हाथी थे की अंग्रेजी नहीं लगाती पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव वाक्य में, तो यहाँ भी तब्दील कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला देखा मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है वह जाती तो है, वह जाती तो है, तो सबसे पहले हम इसके अंग्रेजी जाने कौन है, इसका पता चल जाए कि स्त्री वाचक स्त्री है, कौन है स्त्री है। तो जब स्त्री वाचक के लिए वह शब्द आता है करके इसके अंग्रेजी हम सीधा यूज करते हैं, सीधा आता है वाचक होता है तो हीरा आती है, ये ध्यान रखना हम लोगों को। ध्यान से अगर स्त्री वाचक के लिए आ रहा है तो हम सीधा आगे पुरुष वाचक के लिए आ रहा है तो हम हीरा यूज करेंगे। तो स्त्री वाचक जाति को है तो इसका मतलब स्त्री है, तो हम बोलेंगे जी सीधा आ गया। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं, किसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं, जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है करता ही वचन होता है, तो को के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, डी ओ ई एस डज लगा देंगे। और यहाँ भी हम अब जाती लिखे जान रहे हैं फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर स्टॉप लगा देंगे सी डज में वो जाती तो है। तो कुछ हमारे विद्यार्थी होते हैं अगर आ रहा है तो वह जाती है तो वो सी डज को लगा देती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, उनका ये क्लियर नहीं हो पाया। तो आज समझना बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से इस बात को, सभी विद्यार्थी टू डज का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब तू जाता है, टू डज लगा देती है इसमें, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कर्ता एकवचन के साथ डज लगाना है तो वाले वाक्यों में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मैंने दूसरा सेंटेंस दिया कर्ता बहुवचन का, हम रात में पढ़ते तो है, तो हम भी अब नहीं जाएंगे, हम भी, ये कर्ता बहुवचन होता है, पहले बता चुके हैं आपको वीडियो में, आई भी दे ये कर्ता बहुवचन कहलाती है, ई सी और इट होती है ये कर्ता एकवचन कहलाती है। तो भी का प्रयोग करा, जब कर्ता बहुवचन आता है तो इस शब्द के इसके तो के लिए हम टू का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे हम
का यूज करते हैं। उसके बाद तुरंत क्रिया पे आते हैं, पर आते हैं भी हम फर्स्ट फॉर्म पेश करेंगे। पढ़ने की हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पढ़ने की होती है रीड आर ई रेडी रीड, यानी रीड रीड हम पढ़ते तो है रात में इन द नाइट, इनका यूज करेंगे। पैर आ रहा पैर से और पैर लग के आते हैं, पैर के बाद मैं लग करके आता हूँ, मैं के बाद इनका यूज करती है, फिर उसके बाद नला आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में पैर के अपने काम यूज पैर होगा, रात सुबह शाम में चार पैर होते हैं, सुबह शाम और दोपहर पूरे दिन को रात यानी 24 घंटे को, ठीक है। लोगों ने अरे हमारे जो भी एजुकेशनिस्ट है शिक्षा शास्त्री, उन्होंने इसको चार भागों में डिवाइड करा, सुबह शाम और दोपहर रात, यानी चार भागों में पूरी रात हमारा पूरा 24 घंटे का डे बटन हुआ। तो इनको हम पैर बोलते हैं, जब कोई पैर आता है तो इन लगाएंगे, उसके बाद धागा यूज करेंगे हम, उसके बाद उस पैर की अगली ला देते हैं इन द नाइट। तो हमने इसकी अंग्रेजी बना दी, हम रात में पढ़ते तो हैं, तो बी डू इसकी अंग्रेजी आई करता के तुरंत बाद आलतिया, यानी पहले नंबर पे हम और दूसरे नंबर पे इसकी अंग्रेजी लाएंगे तो भी, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम वर्ब की पस्त फॉर्म लगाएंगे, चौथे नंबर पे जो रहेगा उसकी अंग्रेजी ला देंगे। ये ध्यान रखना है, इस तरह से हमें सेंटेंस को बनाना है। उसके बाद मैंने लिखा वह बता तो रही थी, अब ये आ गया कंटिन्यूअस का, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ भी क्या है, इसलिए यहाँ भी बता रही थी, बता तो रही थी, तो हमने सी का इस्तेमाल करा, ठीक है। ये ताती थी का, अगर ताती थी का सेंटेंस है उसके लिए डिड लगाएंगे, ठीक है, किसको लगाना है डिड को लगाना है। उसके बाद फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, डिड लग जाएगा तो इस सब्जेक्ट के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार अगर सिंगल है और सब्जेक्ट का सही वचन है तो यहाँ का यूज करेंगे, और बहुवचन आया है तो आर का प्रयोग करेंगे, और आर जाएगी तो आई के साथ एम लगाएंगे। उसके बाद में धारे जैसे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आर जैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो हो गया सी डिड यानी वो बता तो रही थी, ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को। और यही बार ही अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में आ जाता है तो यह डू डच का इस्तेमाल करेंगे इसके अनुसार, या विजय मार्ग का इस्तेमाल करेंगे कर्ता के अनुसार, हमें यहाँ डू डच का इस्तेमाल करना है अगर बाकी हमारा प्रेजेंट में आता है। ये पास्ट में आया तो डिड का इस्तेमाल करेंगे, विजय मार्ग का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आ रही लगे तो आई एन जी का यूज करेंगे। और अगला सेंटेंस मैंने लिखा है, ये फोर्थ से फिफ्थ सेंटेंस है, आपने चार पी दो पी, अब ध्यान से देखिए आप मैं नहीं करता हूँ बचा, इसके लिए हम वाई यू का इस्तेमाल करेंगे, यू, ठीक है। पी तो थी तो शब्द रख के आ गया, तो के लिए हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ डिड आ रही तो के लिए, ठीक है। पीना की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे हम टेक का इस्तेमाल करेंगे टेक, ठीक है, और चाय की अंग्रेजी ला देंगे टी, तो आ गया यू डिड टेक टी, आपने चाय पी तो थी। यहाँ एक बात ध्यान देना योग्य बात है, कहते सभी विद्यार्थी इसका ध्यान रखें, हम टेक है ड्रिंक है, इनका इन शब्दों का प्रयोग खाने पीने और लेने के लिए करते हैं, गड़ करने के लिए करते हैं। तो यार तुझे ध्यान रखना है, जब हम ड्रंक लगा देते हैं तो ड्रिंक का प्रयोग ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर इंसान एक सांस के अंदर गड़गड़ गड़गड़ पी जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर हम दूध वगैरह है या शराब वगैरह, ठीक है, इनके इस्तेमाल के लिए करते हैं। कुछ लोग पानी पी के सांस में पी जाते हैं, तो जो लोग एक ही बार में सारी चीजें पी जाते हैं तो हम ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। तो ड्रिंक का प्रयोग ज्यादातर जो होता है वो शराब पीने के लिए होता है, तो इसलिए हम लोगों को इस स्तर पे आकर के 9th 10th इंटरमीडिएट है या अपर क्लासेज है बीए वगैरह में, वहाँ इसका यूज नहीं करते। ये छोटी क्लासों में जिन टीचर्स को इसकी जानकारी नहीं होती है सही, तो वो क्या करती है ड्रिंक का प्रयोग कराती है, उन्हें पता ही होता है ड्रिंक लगाते हैं, ड्रिंक भी होता है शराब पीना, तो यू ड्रिंक किसका मिल जो आप शराब पीते हो या ड्यू ड्रिंक आप शराब पीते हो, तो ध्यान रखना है ड्रिंक का हमें यूज नहीं करना है। यहाँ टेक या हेल्प का प्रयोग करेंगे तो मैंने टेक का प्रयोग करा, ठीक है, जो जिस चीज को हम धीरे धीरे करके पीते हैं घूम घूम करके पीते जाते हैं सुखते रूप में, तो यू डू टेक टी, ठीक है, इसका मीन्स हो गया आपने चाय पी तो थी। अगला सेंटेंस है, ये सिक्स वाला सेंटेंस है, नंबर सिक्स है, ये लगा सभी ने आपको बताया तो था, यानी सभी ने, तो यहाँ फोन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर एवरीवन का प्रयोग करेंगे, सभी समझ है वाले में, ठीक है। तो एवरीवन का प्रयोग करते हैं, ई बी आर वाई एल बी ओ एन वन हो गया, एवरीवन आ रहा सभी ने, तू लग के आया है पास्ट टेंस का वाक्य है तो हम डिड का यूज करेंगे, क्या करेंगे डिड का यूज करेंगे, आ दिया बताना बताने फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, टेल टी डबल ए टेल मींस होता बताना,
आपको अभी ऑब्जेक्ट का क्या आया है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दी मीन होता है आपको फुल स्टॉप लगा दी, हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। तो एवरीवन डिड टेल यू, यानी सभी ने या अधिक ने आपको बताया था, तो हमने अमल का भी लगते हैं ऑल डिड, ठीक है टेल यू एवरीवन, ये ऑल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे अगले सेंटेंस आ रहे हैं, आगे सेंटेंस और बताने जा रहे हैं हम आपको, आगे देखेंगे अगले सेंटेंसों को।